सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारी कक्षा में। DSE 9 सामान्य विज्ञान इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान की आज हमारी तीसरी कक्षा होगी, जिसमें हम आज के विषय में भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं अध्ययन की पद्धतियां पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, भाषा विज्ञान का स्वरूप। भाषा विज्ञान का स्वरूप। भाषा वह वक्त ध्वनि समूह भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों पर क्षमतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के विचारों और भावों को समझ सकते हैं। यह भाषा की परिभाषा है। इसी प्रकार विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान हो, जिसमें उसे विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान का शाब्दिक अर्थ भाषा का विज्ञान अथवा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। भाषा की प्रकृति और गठन को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर उसका अध्ययन करना, भाषा का यह अध्ययन विज्ञान के समान तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ होता है। भाषा विज्ञान का नामकरण किस प्रकार आया, हम इसको समझते हैं। भारत में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन वैदिक युग से प्रारंभ हुआ। वैदिक युग जो प्राचीन युग है। भाषा विज्ञान को कंपैरेटिव ग्रामर का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी में भाषाओं की तुलना पर अधिक बल दिया गया, इसलिए इसका नाम कंपैरेटिव फिलोलॉजी भी रखा। 1817 ईस्वी में डेविस ने ग्लोसोलॉजी नाम दिया। अंग्रेजी में साइंस ऑफ लैंग्वेज नाम दिया गया। वर्तमान समय में लिंग्विस्टिक नाम अधिक उपयुक्त माना गया, जो कि लैटिन के शब्द लिंगुआ से बना है। हिंदी भाषा में भाषा तत्व, भाषा शास्त्र, भाषा विचार, भाषा लोचन आदि नामों का व्यवहार रहा, परंतु वर्तमान समय को भाषा विज्ञान सर्वाधिक प्रचलित नाम है। इसकी भाषा परिभाषा दी गई है। भाषा विज्ञान की अलग अलग मतों से अलग अलग जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, यह पूरी अंग्रेजी में परिभाषा बताई गई है, इसको हम समझेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जी ने यह परिभाषा दी। द वर्ड फिलोलॉजी इज हर टेकन एज मीनिंग ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसको समझते हैं। इसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जी का कहना है, जो फिजियोलॉजी जो वर्ड लिया गया, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा, इसमें कंपैरेटिव फिलोलॉजी भी इसका 19वीं शताब्दी में नाम रखा गया। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा जो फिलोलॉजी है, उसमें जो भाषा विज्ञान है, उसको एक तरह की संरचना और विकास के रूप में माना गया। इसी प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा यह परिभाषा दी गई। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं, जिस पर भाषा मात्र के विभिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। यहाँ पर हमारा भाषा विज्ञान का स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियाँ, या इसी प्रश्न को अध्ययन की पद्धतियाँ ना कहते हुए अध्ययन की दिशाएँ भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर दोनों का एक समान ही रहेगा। सर्वप्रथम हम इस उत्तर को प्रस्तावना के रूप में लिखेंगे।
प्रस्तावना। भाषा विज्ञान के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा के अध्ययन का अर्थ है कि भाषा के मूलभूत तत्वों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना। भाषा विज्ञान के अध्ययन की अनेक पद्धतियां या दिशाएं हैं। मशहूर भाषा विज्ञानी दस सियोर ने भाषा विज्ञान के अध्ययन की दो दिशाएं बताई हैं, एककालिक या वर्णनात्मक तथा कालक्रमिक या ऐतिहासिक। वही डॉक्टर भारद्वाज भी इसकी दो शाखाएं या खाएं बताते हैं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर। सबसे पहली जो अध्ययन की दिशा या पद्धति है वह है हमारी वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन और विश्लेषण कर कुछ नियमों का निर्धारण करना ही वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा कि वर्णनात्मक नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भाषा का वर्णन या विश्लेषण रहता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही दूसरे शब्दों में व्याकरण कहते हैं, जिसमें हम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में ध्वनि संरचना कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजनों की आवाज़ निकलती है, शब्द संरचना, रूप संरचना, वाक्य संरचना तथा अर्थ संरचना का अध्ययन किया जाता है। पाणिनि का व्याकरण इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। जो पाणिनि जी हैं हमारे, जिन्होंने व्याकरण की खोज की, तो इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं तथा इसकी प्रशंसा प्रायः विद्वानों ने भी किया। वर्णनात्मक भाषा का प्रयोजन किसी भाषा के विकास को दिखाना नहीं होता, ना ही किसी भाषा का अन्य भाषा से तुलना करना होता है। इसलिए द ससियूर ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को सिचुएशनल कहा है। इसी प्रकार जो दूसरी हमारी अध्ययन की पद्धति या अध्ययन की दिशा आती है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, जहाँ वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, वहीं इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में एक ही भाषा के विभिन्न कालों के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसी भाषा का पुराने रूपों में विकास किस प्रकार हुआ यह दिखाना ही इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए द ससियूर ने इसे डायनामिक सिस्टम कहा। उदाहरण, डायनामिक सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी भी काल साक्षेप में मतलब अपने आप बदल जाता था। जिस तरह की सिचुएशन उस तरह से ये डायनामिक सिस्टम अपलोड मतलब बदल लेता था। उदाहरण सहित हम भारत के भाषा को देख सकते हैं, जैसे वैदिक युग से लेकर संस्कृत आई, फिर प्राकृत से होते हुए आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। इस वहीं इन भाषाओं का ध्वनि, पद या अर्थ की दृष्टि से विकास कैसे हुआ इसको भी दिखाया जाता है। उस विकास का क्या कारण था, उन कारणों का परिणाम क्या था। भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में वर्णनात्मक अध्ययन अनायास ही आ जाता है, क्योंकि विकास दिखाते दिखाते समय भी काल विशेष की स्थिति को दिखाना भी आवश्यक होता है। इसी के साथ हमारी तीसरी और अंतिम जो दिशा या पद्धति आती है वो है हमारी तुलनात्मक। पहली है हमारी वर्णनात्मक, दूसरी ऐतिहासिक, अब तीसरी है तुलनात्मक पद्धतियां दिशा। जहाँ वर्णनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन में किसी एक भाषा को आधार बनाया जाता है, वहीं तुलनात्मक अध्ययन में अनेक भाषाओं को आधार बनाकर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बिना अनेक की तुलना की ही नहीं जा सकती। तुलना के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं का काल विशेष के स्वरूप को लिया जाता है। दरअसल भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक से हुआ।
18वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषा की तुलना के द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि यह तीनों भाषाएं एक ही परिवार की हैं, परंतु अब तुलनात्मक शब्द हटा दिए गए क्योंकि विद्वानों का मानना है कि बिना तुलना के भी भाषा का अध्ययन किया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है DSC 9 इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान पूर्ण रूप से हमारा समाप्त होता है। भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं अध्ययन की पद्धतियाँ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यदि आज के आपको नोट्स चाहिए तो यह हमारी इंस्टाग्राम हैंडल हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।